हेलो डेगीज। तो अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं तो भी आपने रिसेंटली एक फ्लिपकार्ट की सेल के बारे में जरूर सुना होगा जो चली थी 23 जून से लेकर 27 जून तक। इस पे बहुत सारे कमाल के ऑफर्स थे और आपने क्या क्या लिया नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पर मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे बहुत ज़्यादा अच्छी सेल थी, पर एक प्रोडक्ट था जिसने सारी की सारी लाइमलाइट छीन ली थी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गैलेक्सी A80 के बारे में। ये प्रोडक्ट इतना लाइमलाइट में था, इसके बारे में कुछ रीजंस भी हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट जब लॉन्च हुआ था तो ये था अप्रॉक्सीमेटली 48,000 का, और इस टाइम पे ये सेल में मिल रहा है आपको सिर्फ 22,000 में। और आप अगर कुछ बैंक के डिस्काउंट्स लगाते हैं तो आपको मिल सकता है 21,000 के आसपास, विच इज मोर देन अ 50% डिस्काउंट। कोई भी स्मार्टफोन में 50% से ज्यादा डिस्काउंट मिलना एक बहुत ही अच्छी डील बन जाती है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको ये स्मार्टफोन 22,000 रुपए में लेना चाहिए या नहीं, तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। मैं करूंगा इस स्मार्टफोन का अनबॉक्स, बताऊंगा मेरा पर्सनल रिव्यू और बात करेंगे इसके कैमरा रिव्यू और परफॉर्मेंस रिव्यू और बाकी सारी चीजों के बारे में। और इसको कंपेयर भी करूंगा कुछ और स्मार्टफोन्स के साथ जो एकदम सेम प्रोसेसर के साथ आ जाते हैं, बट चाइना ओरिजिन कंपनीज जैसे कि शाओमी, रियलमी, ये सारे भी अपने बजट फोन लेके आ रहे हैं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो मेक श्योर आप ये वीडियो एकदम एंड तक देखिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो अब इंट्रो देख लो फटाफट से और करते हैं इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अनबॉक्सिंग से। अगर हम बॉक्स की ओर देखेंगे तो यहाँ पे हमें ऊपर की ओर लिखा हुआ मिल जाएगा सैमसंग, नीचे की ओर बड़ा बड़ा A80 लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड में भी आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। पीछे की ओर देखते हैं तो यहाँ पे इसके कुछ की फीचर्स मिल जाएंगे जैसे कि फास्ट चार्जिंग, रोटेटिंग कैमरा और बाकी सब। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मेक फॉर इंडिया, ध्यान रखिएगा मेड इन इंडिया नहीं है, मेक फॉर इंडिया है। अब देख लेते हैं हम बॉक्स के कंटेंट्स को। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत अनयूजुअल सी चीज़ देखने को मिलती है जो कि है ईयरफोन्स। यहाँ इसमें आपको टाइप सी ईयरफोन्स देखने को मिल जाएंगे क्योंकि इसमें आपको हेडफोन जैक नहीं देखने को मिलता है सैडली। फिर इसके साथ आपको एक काफ़ी अच्छा सा केस देखने को मिल जाता है जो कि एक हार्ड शेल केस है और जिसके अंदर आपको A80 की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और इन सभी के साथ आपको एक चार्जर मिलता है जो आता है 25 वॉट के फास्ट चार्जिंग आउटपुट के साथ, और इसी के साथ आपको मिल जाएगी टाइप सी टू टाइप सी केबल। ध्यान रखिएगा इसमें USB टू टाइप सी केबल नहीं मिलेगी आपको। और उसके बाद आ जाता है ये स्मार्टफोन जिसकी हाईलाइट बहुत अच्छी है, इसका कैमरा जो हम आगे चल के वीडियो में ज़रूर से डिस्कवर करेंगे। मैं कर लेता हूँ इस फ़ोन को बूट, जब तक बात करते हैं ओवरव्यू की। तो राइट साइड में आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा। नीचे की ओर देखते हैं हम तो यहाँ पे एक टाइप सी पोर्ट मिलेगा हमें और लेफ्ट साइड में उसके माइक मिलेगा और उसी के साथ में आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी। और अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज मिलेंगी। बट मेरे को पर्सनली इसका हार्ड शेल केस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि बहुत सारे जो लग्जरी ब्रांड्स भी हैं वो भी एक जनरली ट्रांसपेरेंट केस देते हैं, इन्होंने एक हार्ड शेल केस दिया है। तो रख देते हैं ये सारी चीज़ें साइड में और देखते हैं हमें स्मार्टफोन में क्या क्या देखने को मिलता है। तो हमारा छोटे से औजार को निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें आपको सिम ट्रे में माइक्रो SD कार्ड लगाने का सपोर्ट मिलता है या नहीं। तो इसका आपको बहुत ही अनयूजुअल सा लेआउट मिल जाएगा क्योंकि इसमें एक ऊपर सिम लगता है और एक नीचे, बट सैडली आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने का सपोर्ट नहीं है। बट अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो आपको एक रबर रिंग दिखेगी जो कि ये बताती है कि ये स्मार्टफोन कुछ हद तक वाटरप्रूफ है, बट इसमें कोई IP सर्टिफिकेशन नहीं है, तो आई विल सजेस्ट कि इसको आप पानी में ना डालें। तो हमारा फोन हो गया है बूट, अब बात कर लेते हैं इसी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि है 6.7 इंचेस का। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले है और बहुत ही ज़्यादा शार्प और पंची कलर्स देखने को मिल जाते हैं क्योंकि पहली चीज़ ये सैमसंग का डिस्प्ले है जो कि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिस्प्ले बनाता है, और दूसरी चीज़ ये सुपर AMOLED डिस्प्ले है जिसकी वजह से आपको इसी के अंदर यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और शायद दिसंबर के महीने में जब ये लॉन्च हुआ था तब ये बहुत सारे फोन्स में बहुत नया था। तो भाई इसका डिस्प्ले तो बहुत अच्छा है, अब बात करते हैं इसके अंदर कितने घोड़े दौड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर जो कि वर्क करता है 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे, और ये शायद पहला प्रोसेसर था जो इस फोन में आया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
बट इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए हुए 6 महीने हो चुके हैं और इस टाइम तक बहुत सारी कंपनीज ये प्रोसेसर ऑलरेडी यूज कर चुकी हैं। फिर चाहे हम बात करते हैं पोको X2 के बारे में या फिर मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस के बारे में, जो कि इसका मेन कॉम्पिटिटर बनते हैं, जिसके बारे में हम वीडियो के एकदम एंड में बात करेंगे, बट उन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसी की मेन USP के बारे में, जो कि है इसका कैमरा, जो मेरे को देखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये कर सकता है। काफी ज्यादा कूल लगता है ये, अगर आप देखना चाहें तो हो जा पता नहीं, बट ये दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार हाथ में लेके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मेरी फीलिंग कितनी ज्यादा अच्छी है। और ये पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको ट्रिपल रोटेटिंग कैमरा देखने को मिलेगा, तो हम वीडियो में आगे चल के इसका कैमरा रिव्यू भी जरूर से करेंगे। बट यहाँ बैटरी में आपको देखने को मिल जाएगा 3700 mAh की बैटरी, जो कि आपका साथ दे देगी अप्रॉक्सीमेटली अगर आप लाइट यूजर हैं तो एक दिन तक, बट अगर आप थोड़े भी हैवी यूजर हैं तो आपको दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। और उसके साथ में जैसे कि मैंने बताया आपको बॉक्स में ही मिल जाएगा 25 वॉट का चार्जर, जो इसकी बैटरी को चार्ज कर देता है 0 to 50 30 मिनट्स के आसपास में, और जो कि मैंने टेस्ट भी किया है तो इसकी चार्जिंग स्पीड तो काफ़ी अच्छी है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे कि इसमें पीछे की ओर आपको मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास 6 और सामने की ओर आपको मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 3, जो कि सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि पीछे का ग्लास सस्ता आता है क्या? इनको शायद सामने की ओर स्वैप कर देना चाहिए था, सामने की ओर गोरिल्ला ग्लास 6 डालते तो ज़्यादा सेंस बनता, बट ठीक है, इट्स देयर चॉइस। बट ठीक है यार, इनकी कैमरा टेक्नोलॉजी के आगे सब कुछ माफ है क्योंकि वो बहुत ही यूनिक चीज़ कर सकता है। और यहाँ पे आपको एक फुल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जिसमें कोई नॉच नहीं आती, कोई पानी जैसे कुछ नहीं गिर रहा है, कोई छेद वेद नहीं है आगे पीछे कहीं भी कुछ नहीं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है इसमें। अगर इसके कैमरा के बारे में बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस की भी बात कर ले कि आपको जो मेन सेंसर मिलता है वो है 48 मेगापिक्सल का, F2 के अपर्चर के साथ आ जाता है वो। जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 123 डिग्री का वाइड एंगल कैमरा 8 मेगापिक्सल्स के सेंसर के साथ, जो कि आ जाता है F2.2 अपर्चर के साथ। और जो थर्ड कैमरा है उससे आप फोटोज तो नहीं ले सकते हैं, बट वो एक बहुत ही यूनिक चीज़ कर सकता है क्योंकि ये है टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा, जो आ जाता है F1.2 अपर्चर के साथ, बट इसके साथ आप डेप्थ वीडियो भी ले पाएंगे। ये बहुत ही यूनिक फीचर लगा मेरे को, जो कि आजकल के हाई एंड फोन्स में आ रहा है। शायद Huawei P40 Pro में भी ऐसा कुछ फीचर देखने को मिलता है, जो कि Huawei का इस टाइम पे फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। जी हाँ, इसके साथ आप डेप्थ वीडियो भी ले पाएंगे, जैसे कि आपको अगर पोर्ट्रेट शॉट्स लेना पसंद है अपने फ़ोन से तो इसमें आप पोर्ट्रेट वीडियो भी ले पाएंगे, जो कि सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बट इसको हम टेस्ट भी करके देखते हैं। तो चलते हैं बाहर, तो चलो निकाल लेते हैं हमारे सारे के सारे औजार और ले चलते हैं इसी स्मार्टफोन को हम बाहर। दैट राइम्स। चलो, ये है इसका वीडियो मोड, मैं अभी शूट कर रहा हूँ इसमें सुपर स्टेडी मोड में। आप बताइए कि आपको इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी लगी, ऑडियो क्वालिटी भी बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लग रही है। तो ये वाली वीडियो मैंने ली है इसके फ्रंट कैमरा से विदाउट सुपर स्टेडी मोड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सी ज़्यादा बेटर लग रही है, विद सुपर स्टेडी मोड या विदाउट, सही में काम करता भी है या नहीं, आप खुद जजमेंट करिए। ये स्मार्टफोन का मेरा फेवरेट फीचर है क्योंकि इसमें मिल जाता है आपको लाइव फोकस मोड। जी हाँ, आप मेरे पीछे अभी बैकग्राउंड ब्लर देख रहे होंगे, वो इसका सेकेंड कैमरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा है वो करता है, तो इससे मैं वीडियो भी शूट कर सकता हूँ इन बोके मोड। तो ये है कुछ कैमरा सैंपल्स जो मैंने इसके कैमरा से शूट करे थे, आप बताइए आपको कैसे लग रहे हैं ये। ये वीडियो मैंने ली थी इसकी बोके मोड में, इसका बोके कभी कभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बट एट टाइम्स ये ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल है। तो इसका कैमरा तो डिसेंट सी फोटोज ले लेता है, बट अब बात करते हैं वर्डिक्ट की कि आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं। पर्सनली अगर मेरी बात करें तो मेरे को ये स्मार्टफोन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लगता है क्योंकि इसमें मिल जाता है आपको 6.7 इंचेस का डिस्प्ले। और मेन चीज़ यह है कि अगर मैं इसका कैमरा पॉपअप ओपन करता हूँ
तो एक सेकंड के लिए फोन थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है मेरे हाथ में। जैसे कि अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ तो मेरी एक फिंगर पे ये अभी तो बैलेंस हो गया है, बट जैसे ही मैं कैमरा ओपन करूंगा ये डिसबैलेंस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँ कि मैंने अभी ये फ़ोन एक फिंगर पे होल्ड तो कर रखा है, बट जैसे ही मैं इसका कैमरा ओपन करूंगा ये एक साइड लीन हो जाएगा और गिर सकता है। बट ये चीज़ें आपको जब काम आएंगी, जब आप इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करेंगे। ये बहुत ही माइनर चीज़ें हैं, बट आई गेस लॉन्ग टर्म में आपको मैटर कर सकती हैं। तो अब बात करते हैं इसी के सेकंड ड्रॉबैक की, जो कि है इसकी बैटरी। इसमें आपको 3700 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आप अपने यूजेज के हिसाब से ये फ़ोन को ख़रीद सकते हैं। अगर आपका यूजेज थोड़ा कम है देन यू कैन श्योरली गो फॉर इट। तो अब बात कर लेते हैं इसका जो थर्ड ड्रॉबैक है, वो है इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। जी हाँ, उस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा नई चीज़ थी, आज के टाइम में वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। और ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको हर दूसरे स्मार्टफोन में आजकल देखने को मिल ही जाता है, बट इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर एक्सेप्शनली स्लो है। जी हाँ, ये बहुत टाइम तक मेरे फिंगरप्रिंट को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता और हमेशा बताता रहता है नो मैच। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, मैंने 3 बार लगा के देख लिया बट तीनों बार सेम इशू आया मेरे को। बट अपार्ट फ्रॉम द डिसएडवांटेजेस, ये स्मार्टफोन एक अच्छी डील बन सकता है जिनको भी एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए, H2H डिस्प्ले चाहिए, ये खास करके ये रोटेटिंग कैमरा बहुत ज़्यादा पसंद आया हो और आपको साथ में सैमसंग का भरोसा और ब्रांड वैल्यू चाहिए हो, तो आप इस फोन को ज़रूर से कंसिडर कर सकते हैं। बट मेक श्योर आप दूसरे कॉम्पिटिटर्स को भी चेकआउट कीजिएगा, जो कि है पोको X2, Realme 6 Pro और Motorola One Fusion Plus। जी हाँ, ये कॉम्पिटिशन भी आ जाते हैं ऑलमोस्ट सेम प्रोसेसर के साथ ही। इसमें दो में आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, तो एक में आपको पॉपअप कैमरा देखने को मिलता है। तो सभी चीज़ें मिला के किसी में कुछ एडवांटेजेस हैं, किसी में कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आप अपना डिसीजन ज़रूर लीजिएगा कि आपको क्या क्या चाहिए। बड़ी बैटरी चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, फुल डिस्प्ले चाहिए, एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए, या कुछ भी। मैं सजेस्ट करूंगा कि 20,000 में बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं, तो मेरे ख्याल से आप एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि आपको कौन कौन से फीचर सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। तो मेक श्योर आप अपने फीचर्स चूज करें आपके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग ही। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो कि एक सैमसंग का भरोसेमंद फोन चाहते हैं 22,000 के अंदर, तो ये एक अच्छी डील बन सकती है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं ऐसी टेक वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। टिल देन, गुड बाय, दिस इज टेक जर्नी साइनिंग ऑफ।